बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इसके अंतर्गत देख रहे हैं पांच और छह अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बच्चों इससे पहले के भागों तक हमने 46 क्वेश्चंस कर लिया है, आज हम पढ़ेंगे 47 क्वेश्चंस और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न 47। यदि ए अनुपात बी बराबर, ध्यान समझिएगा, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो सिद्ध करें कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपन बी डी। बहुत सरल है बच्चों, इसको आपको के नियम से बनाना है, ध्यान समझिएगा। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी प्रश्न में हमको दिया हुआ है, इसको हमें समान लेते हैं। ए अनुपात बी को बटे में लिख देंगे, सी अनुपात डी को भी सी बटे डी लिख देंगे और इसके बराबर हम मान लेते हैं के। क्या मान लेते हैं बच्चों? के मान लेते हैं। अब यहाँ पर तिरिया गुणा कर दीजिए, ए बराबर बी के प्राप्त हो जाएगा और उसी प्रकार सी बराबर हमको मिल जाएगा डी के। क्या मिल जाएगा? डी के। अब हम चलेंगे एलएचएस की ओर और एलएचएस दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए का मान क्या है? बी के है, तो बी के का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार सी का मान क्या है बच्चों? डी के है, तो डी के का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत सरल बच्चों के नियम, बस ध्यान से समझिए। बी के का स्क्वायर अर्थात इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस इसी प्रकार डी के का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, पूरे का बट्टे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? देखिए के स्क्वायर निकल रहा है, बचेगा क्या? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, के स्क्वायर आपका कॉमन निकल गया बच्चों। नीचे में क्या दिया हुआ है? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, भी देखिए कट गया, समान पद कट गया, बच गया हमारा के स्क्वायर। अभी एल एच एस का मान था, अब हम चलेंगे आर एच एस की ओर। आर एच एस का भी मान हम मालूम कर लेते हैं। आर एच एस में दिया हुआ है ए सी बटे बी डी। जैसा कि हमको मान मालूम है, ए का मान कितना मालूम है हमको? ए का मान बी के मालूम है, जबकि सी का मान डी के मालूम है, पूरे के बट्टे हो जाएगा बी डी। अब यहाँ पर चूंकि बी और डी का मान मालूम नहीं है बच्चों, इसलिए बी डी को वैसे ही यथावत ही आप लिख लेंगे। बी का गुणा डी से तो बी डी हो जाएगा, के का गुणा कैसे करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, बटे हो जाएगा बी डी। अब आप देखिए बी डी क्या हुआ? कट गया, बच गया क्या? के स्क्वायर। कितना बच गया? के स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी के स्क्वायर है और यहाँ भी के स्क्वायर है, जो बराबर है। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, अर्थात सवाल हमारा क्या हो जाता है बच्चों? सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे एक धन कॉस थीटा धन एक धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर दो कोसेक थीटा। यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हमको एल एच एस या आर एच एस में से एक पक्ष लेना होगा। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एल एच एस। एल एच एस क्या दिया हुआ है? साइन थीटा बटे एक धन कॉस थीटा धन एक धन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये एल एच एस में हमारा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो एक धन कॉस थीटा और साइन थीटा हमारा एलसीएम निकल जाएगा। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार वन प्लस कॉस थीटा का वन प्लस कॉस थीटा से करेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल, समझ गए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए धन बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अर्थात टू कॉस थीटा, पूरे का बटे क्या दिया है बच्चों? एक धन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको आप लिख लीजिए, साफ साफ बटे में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से देखने से पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एक सर्वसंख्या है जिसका मान एक होता है। कितना होता है? एक होता है। फिर एक पहले से ही दिया हुआ है, फिर दो कॉस थीटा भी दिया हुआ है, उसको आप लिख लेंगे। पूरे का बटे दिया हुआ है एक धन कॉस थीटा और कोष्ठक के बाहर में साइन थीटा। एक और एक कितना होता है बच्चों? दो होता है। दो धन दो कॉस थीटा, पूरे का बटे हो जाएगा एक धन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर में कुछ कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखने पर हमको समझ में आता है कि कॉमन दो निकल रहा है। आप दो कॉमन निकाल दीजिए, बचेगा एक धन कॉस थीटा बच जाएगा, पूरे का बटे एक धन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर एक धन कॉस थीटा कट गया, बचा क्या बच्चों? यहाँ पर ऊपर में दो नीचे में साइन थीटा बचा हुआ है और हमको मालूम है कि एक बटे साइन थीटा कोसेक थीटा के मान का बराबर होता है, अर्थात दो गुणित कोसेक थीटा, जो राइट साइड में दिया हुआ है। अर्थात हमारा प्रश्न क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है हमको। मान ज्ञात करने का मतलब है यहाँ पर हम मान रखेंगे, किस प्रकार रखेंगे ध्यान समझिएगा बच्चों। 2 tan 67 डिग्री अपॉन cot 23 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री 45 अंश। इन दोनों में से बच्चों किसी एक को हम 90 प्लस के रूप में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे बच्चों? 90 प्लस या 90 माइनस के रूप में। 2 tan
अगर हम 90 में 23 घटाते हैं बच्चों, 90 माइनस 23, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 67 अपॉन cot 23। दोनों में से एक को तोड़ना है बच्चों, एक को यथावत लिख लेंगे। 10 45 का मान होता है 1.5 से 1। कितना होता है 10 45 का मान बच्चों? 1 होता है। अब यहाँ पर सूत्र लग गया, 10 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है काट थीटा। क्या होता है? काट थीटा, और थीटा की जगह में 30° दिया हुआ है, बटे काट थीटा, नीचे में पहले से ही काट 30° दिया हुआ है, धन 1। अब यहाँ देखिए काट 23 काट 23 कट गया, अब यहाँ पर 1 दिया हुआ है बच्चों, 2 यहाँ बच गया, 1 यहाँ बच गया, अर्थात 2 धन 1 = 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 आ जाएगा, जो बहुत सरल प्रश्न था। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, इससे पहले आपने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हल किए हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, बेलन का व्यास दिया हुआ है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या अर्थात व्यास का आधा होता है 14/2 = 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है यहाँ पर? ऊंचाई h = 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या मालूम करना है बच्चों? बेलन का वक्रपृष्ठ। अतः बेलन का वक्रपृष्ठ सूत्र क्या होता है? 2πRh। क्या होता है बच्चों? 2πRh। मार्क देंगे यहाँ पर, 2 × π = 22/7, गुणित r दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, जो हमने ज्ञात किया है व्यास से, और h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों 7 और 7 क्या हुआ? कट गया। 2 × 22 × 10, 2 × 22 × 10, दोनों गुणा कर देंगे, 22 × 44 = 440 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न में क्या पूछा था? प्रश्न में पूछा था बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, और ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों हमने 5 वर्षीय अंक वाले में महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ बच्चों कि अगर आपने इतने सारे प्रश्न कर लिए, अर्थात जितने भाग हमने प्रस्तुत किया महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में, इन सभी भागों को आपने अगर कर लिया, तो यह निश्चित कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, हमारी गारंटी है। बशर्ते में आपको अच्छे से मेहनत करना है, सवाल को बार बार करना है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सूत्रों को अच्छे से याद करना है। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों बार बार हम आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इसलिए कहते हैं बच्चों, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो इसलिए हम कहते हैं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आप तक सर्वप्रथम पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए कि हमने कौन सा कोर्स, कौन सा प्रश्न सीरीज या कौन सी प्रकार के हमने प्रश्नों की श्रृंखला को अपलोड किया है, जिसको आप तुरंत तुरंत देख सकते हैं। ये आपको सुविधा होगी बच्चों, इसलिए निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।